पथ का। यहाँ पे देखिए ये सब सामान है, ये सब सामान है जो कि जन्मभूमि पथ पे लगाया जाएगा। ट्रक पे लोड होके आए हैं, देखिए कितना अच्छे से फिक्स होके आए हैं पूरा। और ये जो सामान है जन्मभूमि पथ पे लगाया जाएगा, देखिए ये सारे ये ट्रक पे है ना, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, तो पूरा बहुत ही अच्छे से पैकिंग होके आती है जन्मभूमि पथ पे। ये सब लगता है, देखिए इस तरीके से पूरा पैक होके आ रहा है। यहाँ पे देख कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब पत्थर हैं यहाँ की। शहादतगंज से आप देखोगे तो चौड़ाई उसका ज़्यादा है फुटपाथ का। बाकी जो भी है यार, गवर्नमेंट सोच के ही बना रही जो भी बाद में, कि ये जो गवर्नमेंट डिवाइडर कर रही है, डिवाइडर का निर्माण कर रही है, ये जगह भी कम ले रहा है। देख लीजिए कितना ज़्यादा चौड़ा है, मतलब नॉर्मल सही है, और जो है जगह भी कम ले रहा है और लग भी जा रहा है, एक हो जा रहा है कि हाँ डिवाइडर लगा भी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे राम पथ का जो बोल सकते हो मेन राम पथ, यानी जो अयोध्या में प्रवेश द्वार बनाया गया है। मैंने पिछला वीडियो जो था यहीं से मैंने एंड किया था, जो इसको सिविल लाइन से स्टार्ट किया था और जो इसे यहाँ पे दिखाया था आपको अयोध्या का जो प्रवेश द्वार है यहाँ तक आपको पूरा दिखाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि यहीं से जो है प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बनाया जा रहा है इसी रोड पे पड़ता है, रेलवे स्टेशन पड़ता है, यानी बहुत कुछ इसी पे जो है सब कुछ पड़ता है। और पूरा नए घाट तक इसको कवर करेंगे, पूरा दिखाएंगे। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक करना। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से काम चल रहा था, इसको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं कैसे कैसे आगे का काम किया जा रहा है। यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, चलिए दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से दिखाते हैं, ये वाला नया फ्लाईओवर बनाया गया है, और इस रोड से आप जाओगे तो 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग वाला ये रोड है, यहाँ से नीचे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये है प्रवेश द्वार अयोध्या वाला, जो कि नॉर्मल सा पहले से बनाया गया था, इसको शायद डेवलपमेंट करके और भी बड़ा बनाया जाए, जैसे भी होगा आपको अपडेट पूरा देंगे यहाँ से। और यहाँ का देखिए फुटपाथ का निर्माण कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है साइड में देखिए फुटपाथ, और बीच में देखिए डिवाइडर, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे जो है इसको फिक्स किया जाएगा, नॉर्मल जो है नीचे इसको पहले साफ करते हैं, उसके बाद मसाले रख के इसको जो है जाम कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर है, बस इतना ही कमी है कि इसके जो है बीच में फूल वूल नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस डिवाइडर में देखिए कहीं पे गड्ढा नहीं है या फिर ऐसा कुछ जगह नहीं है कि इसमें जो है फूल लगाया जाए, पौधे लगाए जाएंगे। और साइड में देखिए यहाँ पे देखिए डिवाइडर का जो है, जो यहाँ पे फुटपाथ बनाया गया है उसको देखिए पक्के रोड की तरह ढाल दे रहे हैं, उसको पक्का रोड का निर्माण कर रहे हैं। और इधर से देखोगे देखिए मिट्टी डाल रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से उसको बना रहे हैं पूरा मिट्टी डाल के। हाँ, कि मैंने आपको बताया था कि चौड़ाई थोड़ी सी कम है यहाँ की, शहादतगंज से आप देखोगे तो चौड़ाई उसका ज़्यादा है फुटपाथ का। बाकी जो भी है यार, गवर्नमेंट सोच के ही बना रही जो भी बना रही, इस तरीके से जगह जगह पे देखिए डक्ट के लिए यहाँ पे बना दिया गया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हैंडल करें यहाँ से, देखिए कोई भी कुछ भी किया जाए वो सब पूरा आपको यहाँ से देखें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ऐसे है, ये देखिए ऐसे ही कुछ पक्का रोड बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और ऊँचा बनाया जाएगा, अभी तो इसको नॉर्मल ऐसे ही कर दिए हैं। बाकी देखते हैं आगे चल के कैसे कैसे और किया जा रहा है। बीच में खंभा यहाँ पे देखें, ये जो है इस तरीके से निर्माण किया जाएगा। हाँ, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मंदिर है, कुछ भी थोड़ा सा आ जा रहा, उसको छोड़ के आगे का काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। क्योंकि जहाँ पे छोटा थोड़ा सा काम जो है छूटा हुआ है ना, उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, थोड़ा थोड़ा रहेगा उसको तो बाद में ही कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से दिखेगा तो जो है इस तरीके से पूरा व्यू है यहाँ का, देखिए साइड में भी वही प्रोसेस है, इतना ज़्यादा चौड़ा रोड बनाया जाएगा, उस साइड से रह के उस साइड तक पूरा रहेगा इस तरीके से। लेकिन एक बात तो है, शहादतगंज से जितना चौड़ा वहाँ पे जितना चौड़ा रोड बनाया गया उतना यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे भाई लोग ज़्यादा रहते भी हैं और जो है उनका ज़मीनें ज़्यादा चली जाती, तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये सब भी देखा और नॉर्मल ठीक ठाक रोड का निर्माण किया कि लोग चल भी जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के इस पे शायद बस वस भी अलाउ ना करे गवर्नमेंट चलना। बाकी भी जैसा भी होगा आपको पता ही चले जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से, अगर आप चैनल पे जुड़े रहोगे तो। देखिए इस तरीके से यहाँ का व्यू है और काम चल रहा है यहाँ पे। और ये हाँ, एक बात और मैंने सोचा बाद में, कि ये जो गवर्नमेंट डिवाइडर कर रही है, डिवाइडर का निर्माण कर रही है, ये जगह भी कम ले रहा है। देख लीजिए कितना ज़्यादा चौड़ा है, मतलब नॉर्मल सही है, और जो है जगह भी कम ले रहा है और लग भी जा रहा है, एक हो जा रहा है कि हाँ डिवाइडर लगा भी है। तो हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा देखा है, यहाँ पे किया भी है और इस तरीके से। और उधर का आप देखोगे तो वहाँ पे देखिए पक्के डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा, पक्का बना दिया जा रहा पूरा इस तरीके से वहाँ पे, और इतना वहाँ से फिर से छोड़ दिए हैं, फिर से आगे काम करेंगे।
बाकी जैसे भी होता है यार, इसे धीरे धीरे काम हो ही जाएगा और इसको जो है दिवाली से पहले कंप्लीट कर सकते हैं ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो रखा हुआ है इसी में जो है लाइट फिक्स किया जाएगा, ये बेस है आप बोल सकते हो, तो लाइटिंग का ये बेस है, इसको ला के सिर्फ रख दिए हैं और इसी को जो है इस बीच में, जैसे बीच में रखा ना ऐसे इसको रख के जो है इसको फिक्स कर देंगे और वो अच्छे से बना देंगे जो है, उसी पे जो है पोल को लगा के लाइट को फिक्स कर देंगे। ये बहुत ही गजब का चीज़ है, यहाँ पे लगभग जो है आर्टिफिशियल मतलब पहले से बना हुआ लगाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए साकेत कॉलेज है, और मैं पहले ही बोल रहा था आपको शायद इस पर भी कॉमन बिल्डिंग कोड का अप्लाई किया जाए और किया भी जा रहा है, देखिए काम चल रहा ना हर जगह पे, और अभी यहाँ पर भी किया जाएगा जितना ये जगह खाली आप देख रहे हो, ये कोई भी हो कॉलेज हो कुछ भी हो अगर रोड से सटा हुआ तो उस पर किया ही जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, करने के बाद कलर भी कर रहे हैं, देखिए ऊपर हो गया है नीचे नहीं हुआ, तो ये किया जाएगा हर जगह पर किया जाएगा कुछ भी हो, ताकि आपको लगे यार बाहर से कोई भी हो तो लगे कि हाँ आप लोग अयोध्या में हो, आपको लगे कि अयोध्या में आप ऊपर हो, श्री राम जी की नगरी में हो आप। देखिए इस तरीके से इधर का व्यू, यहाँ पे जो है लगभग आप बोल सकते हो कि 90% जो काम है वो रोड का वो पूरा ख़त्म हो चुका है, लगभग कर दिए हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा सा छूटा हुआ है वो भी अभी आपको वीडियो में आके देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और आपसे यार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अगर चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही आप हमेशा प्रभु श्री राम जी से और अयोध्या से जुड़े रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब यार कर लीजिएगा, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, ताकि हमारी जो बात है वो और काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाए, काफ़ी ज़्यादा हमारे जो भक्त हैं वहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स और बनाया गया, ये वाला मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया था ये वाला, और उसके बगल भी एक और बनाया गया है, दो बनाया गया अभी, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ऐसे दो बनाया गया ये और एक तो मैंने दिखाया था पिछले वाली वीडियो में, तो तीन ऐसे बनाया गया अयोध्या में अभी तक, बाकी और भी जितना बनाया जाएगा सब आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होगा। देखिए दूसरा वाला वो है, वो देख रहे हैं आपको, वो दूसरा वाला था, ठीक है। और इधर का देखोगे तो लाइटिंग वाला भी सेम काम वही किया जा रहा है, यहाँ पर भी चैम्बर लगा दिए जा रहे हैं छोटे छोटे, जो कि जो है आगे यूज़ किए जाएंगे लाइटिंग के लिए जो भी होगा। और यहाँ देखिए अभी तक हम जहाँ से चल रहे हैं आप लोग ने नोटिस किया होगा कि पक्के रोड पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पक्के रोड का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी किए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी किए हैं, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कर चुके हैं, बोल सकते हो 90% से ज़्यादा भी काम हो चुका है ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो देखिए इस तरीके से व्यू है यहाँ का, अभी जो है ये डिवाइडर जो है फिक्स किए गए हैं, देखिए बिल्कुल सीधे है ना आपको दिख रहा हो, ये फिक्स किया गया है, और यहाँ से देखिए ये भी जो है फिक्स किया गया है, बिल्कुल एकदम सीधा रखा गया है, तो ऐसे ही सीधा रहेगा, अगर आप देख सकते हो ये सीधा है तो समझो ये फिक्स है, बाकी जो ये सब एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इनको सबको तो हटा दिया जाएगा बाद में करके जहाँ वहाँ से रखना होगा। देखिए इस तरीके से, और इसके आर पार शायद देखिए जो होल किया गया है इसके आर पार शायद पानी जाए इसके लिए किया गया है, बाकी जैसे भी होता है यहाँ पे देखिए इसको सब सीधा किया जा रहा है एकदम, मतलब जाम करके रख दे रहे हैं, और बीच में देखिए ये निकलने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बनाया जा रहा है रोड को, ठीक है। और यहाँ का व्यू देख सकते हो, तो ये इस तरीके से है पूरा राम पथ का, यहाँ पे देखिए ये सब सामान है, ये सब सामान है जो कि जन्मभूमि पथ पे लगाया जाएगा, ट्रक पे लोड होके आए हैं, देखिए कितना अच्छे से फिक्स होके आए हैं पूरा, और ये जो सामान है जन्मभूमि पथ पे लगाया जाएगा, देखिए ये सारे ये ट्रक पे है ना, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, तो पूरा बहुत ही अच्छे से पैकिंग होके आती है जन्मभूमि पथ पे, ये सब लगता है देखिए इस तरीके से पूरा पैक होके आ रहा है, यहाँ पे देख इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब पत्थर हैं और सब लगाए जाएंगे, ठीक है। उसका भी ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना तभी आप लोग देख पाओगे, नहीं तो आप लोग मिस कर दोगे कि इस पर क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे जो है एक पुलिया यहाँ पर भी था, इसका भी काम काफ़ी टाइम तक चला, बाकी अब तो इसको फाइनल भी कर दिए हैं, ऐसे ही करके सब फाइनल कर देंगे यार धीरे धीरे, और बहुत ही अच्छे से रेडी भी हो जाएगा प्रभु श्री राम जी का जो राम पथ है वो पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ से देखिए बस थोड़ा सा ही वो रोड उतना ख़राब था, बाकी फिर से पक्के रोड पे हम आ गए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा यार काम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है यार। आपकी दिवाली में तो पूरा अयोध्या यार जगमगाएगा, बहुत ही अच्छे से सजेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, तो वो सब हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल मिलेगा, आपको पूरा दिखेगा, एक एक स्टेप दिखेगा कहाँ पे क्या हो रहा सब कुछ दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, बाकी जितना भी काम होगा हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है काम चल रहा पूरा, देखिए इधर का, और इधर भी अभी थोड़ा सा काम स्लो है, ये सब जो खंभे थे इसको उखाड़ दिया गया है, पहले लगाए गए थे वो सब उखाड़ दिए गए हैं और बाद में तो नया जो लगा दिया जाएगा, जो है शायद अंडरग्राउंड भी कर दे तो नया लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी देखिए
ये श्री राम हॉस्पिटल, यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं रामपथ का। तो ये देखिए इस तरीके से व्यू है। लोकेशन के साथ मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे काम चल रहा है और कैसे जो है काम चल रहा है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा जो है डक्ट की वजह से यहाँ पे रोड का निर्माण रोके हैं। देखिए यहाँ डक्ट की वजह से रोके हैं, लेकिन आगे से फिर से काम किया गया, ऐसा नहीं कि एकदम रोक ही दिए हैं। देखिए और इधर से देखिए फिर से काम जो है स्टार्ट किया गया, देख लीजिए। और डिवाइडर जो साइड साइड में रखे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उतना साइड में रखा है लेकिन फिक्स किया जाएगा यहाँ पे, जो आप देख रहे हो ना गड्ढे टाइप का, यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। तो पहले इसको साफ करके मसाले डाल के उसके बाद उसको बना देंगे, बन जाएगा। और ये है राम जन्मभूमि पथ, मैं बोल रहा था इसी रोड पर सब कुछ है। तो जन्मभूमि पथ ये है और इसका भी वीडियो मैं डालूंगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख कैसे निर्माण हो रहा सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो अभी तो चलिए आपको पहले राम पथ का दिखा देता हूँ, कैसे कैसे यहाँ पे कितना काम किया जा रहा है वो सब आपको दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों अभी का व्यू, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है डिवाइडर अभी फिक्स नहीं किया गया पूरा, बाकी आगे पूरा कर ही दिया जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा, बाकी पूरा कंप्लीट कर देंगे तो बहुत ही बेहतर लगेगा। जैसे जैसे भी होता है पूरा, आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ना कहीं कहीं पर जो था वो डिवाइडर को जो है फिक्स किया जाता था, अब जो है थोड़ा सा काम रोका गया है। और इधर देखिए काम चल रहा है यहाँ पे जो है फुटपाथ वाला काम, इस साइड भी और इस साइड भी, देखिए यहाँ से देखिए फुटपाथ का काम इस साइड भी चल रहा है। तो पूरा जो है नए घाट तक पूरा फुटपाथ का भी काम किया जा रहा है, जल्दी से यार बस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, तब आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पे देखिए अभी उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, जितना डिवाइडर आया था यहाँ पे बन के पहले से, देखिए कैसे पड़ा हुआ है, सब सीधा सीधा रखा जाएगा, सीधा फिक्स किया जाएगा, तब जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तो बस ऐसे रेंडमली ला के रख दिए हैं। और इधर देखिए डक्ट का निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा काम जो है रुका है। और आज जो है मंगलवार का दिन है तो यहाँ पे देखिए इसलिए जो है श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, जो है हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी भी जाके, और प्रभु श्री राम जी का भी दर्शन करेंगे जन्मभूमि पे जाके उधर, ठीक है। तो इसी यही सब सोच के ना बाहर के श्रद्धालु आते हैं कि एक ही दिन में जो है दोनों जगह का दर्शन कर लेंगे दोनों जगह पर, और अच्छे से दर्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए भीड़ उड़ काफ़ी ज़्यादा भी रहती है यहाँ पे। और इधर देखोगे तो इस तरीके से काम चल रहा है अभी पूरा। और इधर देखिए फुटपाथ का निर्माण, फुटपाथ का काफ़ी काम अच्छा ही चल रहा है, जो है देखिए इधर जो है पक्का बना दिए हैं रोड को, देखिए काम चला रहे हैं जितना भी हो सक रहा है, जहाँ भी आप पा रहे हैं थोड़ा जमीन सही है तुरंत ही जो है उसको पक्का निर्माण कर दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, दिवाली बहुत ही जल्दी आ रही है। तो देखिए इधर का फुटपाथ का काम जो है पक्का रोड का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से देखिए बना रहे हैं। बाकी देखिए इधर का व्यू इस तरीके से है पूरा, और पूरा मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ आपको अक्टूबर का, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हमेशा जो है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँ कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। और इधर देखिए कितना प्यारा फुटपाथ बन चुका है यहाँ पे, इधर देखिए इतना काम चल रहा है, इसको अभी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। उधर का जो है फुटपाथ लगभग बन चुका है, जहाँ पे थोड़ा भी जगह पा रहे हैं उसको बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको सीधे सीधे डिवाइडर दिख रहे हैं, इस डिवाइडर को जो है इन डिवाइडर को जो है बना दिया गया है, इसको देखिए मसाले से जाम कर दिए हैं बिल्कुल बीच में रख के, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधा है उस वहाँ पे जो है उसको बना दिए गए हैं। और देखिए काम जो है कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ पुराने मंदिर भी हैं रामपथ पे, शायद इसको भी रिन्यूगेट किया जाए, फिर से अच्छा किया जाए, जैसा भी रहता है आपको दिखाएंगे ही। और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, देखिए काम जो है वो नहीं दिखता कि जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं लेबर्स हैं, वो ये नहीं है कि 10 बजे ही आएंगे तभी काम होगा, बाकी देखिए लोकल में हम लोग क्या होते हैं तो 9 बजे 10 बजे आते हैं, यहाँ पे जो है मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट होता है और बिल्कुल शाम तक चलता रहता है काम, ऐसा नहीं है बंद होने वाला है। और यहाँ का देख लीजिए इस तरीके से पूरा व्यू, देखिए इस तरीके से डिवाइडर को यहाँ से फिक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, और बीच में ये जो है ये लाइटिंग के लिए है इस तरीके से। और लगभग हम रामपैड़ी पहुँच चुके हैं, और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखा रामपैड़ी की, मैंने पूरा डिटेल में दिखाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखना दिवाली से पहले रामपैड़ी कैसे दिखता है, सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। ये था दोस्तों कुछ व्यू इस वीडियो में, इतना ही, चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।